किसी ने क्या खूब कहा है, रिश्तों को शब्दों का मोहताज ना बनाए। अगर अपना कोई खामोश है तो खुद ही आवाज लगाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि हमारे रिश्ते अगर मजबूत हैं, हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय होगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मजबूत रिश्तों का रहस्य। अमन एक शांत स्वभाव का लड़का था। वह किराए के एक छोटे से घर में अपनी पत्नी आरती के साथ रहता था। पिछले 3 साल से वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था और अभी तक एक बार भी उसकी सैलरी नहीं बढ़ी थी। वह बार बार सोचता कि बॉस से पगार बढ़ाने के बारे में कहूं, पर हर बार संकोच बस वह कुछ कह नहीं पाता था। लेकिन एक दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं बॉस से जरूर इस बारे में बात करूंगा। आरती ने भी अमन की हिम्मत बढ़ाई और हाथ में लंच थमाते हुए ऑल द बेस्ट कहा। ऑफिस पहुंचकर अमन ने सही मौका देखते हुए बॉस से अपने दिल की बात कह डाली। बॉस मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल अमन, कुछ दिन पहले हुई मीटिंग में ही हमने तय किया लिया था कि इस बार तुम्हें 30% की हाइक दी जाएगी। हम तुम्हें इस बारे में बताने ही वाले थे। कंपनी तुम्हारी लॉयल्टी और परफॉर्मेंस से खुश है और अगले महीने से तुम्हें बढ़ी हुई तनख्वाह मिलने लगी। अमन को यकीन नहीं हुआ कि इतनी आसानी से उसकी बात मान ली गई है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऑफिस खत्म होते ही वह खुशखबरी सुनाने के लिए वह आरती के मनपसंद रसगुल्ले खरीद कर घर के लिए निकला। आरती भी आज अमन के इंतजार में आंखें बिछाए बैठी थी। दूर से ही देखकर वह समझ गई कि अमन को सैलरी हाइक मिल चुकी है। वह अमन का वेलकम करने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई। अमन गेट से अंदर घुसा। आरती एक सुंदर साड़ी पहने तैयार खड़ी थी। पूरा घर भीनी भीनी खुशबू में नहा रहा था। डिनर टेबल पर क्राकरी का नया सेट लगा हुआ था और बीच में एक कैंडल चल रही थी। खाने में हर वो चीज बनी हुई थी जो अमन को बेहद पसंद है। और इन सब के बीच में एक सुंदर सा कार्ड रखा हुआ था। अमन ने कार्ड उठाया और पढ़ना शुरू किया। डियर अमन, मुझे पता था कि जो तुम चाहते हो वही होगा। तुम्हारी इस खुशी में मैं आज सबसे ज्यादा खुश हूँ। ये खुशबू, ये नया क्राकरी सेट, ये डिशेज, ये कैंडल, ये सब कुछ तुम्हें यही बताने के लिए है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच, आरती। यह पढ़कर अमन मुस्कुराया और अपनी वाइफ को गले से लगाया। मैं अभी तुम्हारा मुंह मीठा कराता हूँ, यह कहते हुए अमन किचन से प्लेट लाने के लिए बढ़ा। लेकिन ये क्या, किचन की सेल्फ पर भी ठीक वैसा ही कार्ड पड़ा था जैसा उसने अभी अभी पढ़ा था। अमन ने फौरन कार्ड उठाया और पढ़ने लगा। डियर अमन, क्या हुआ जो तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी? कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारी वैल्यू इन छोटी मोटी हाइक्स से कहीं ज्यादा है। ये खुशबू, ये नया क्राकरी सेट, ये डिशेज, ये कैंडल, ये सब कुछ तुम्हें यही बताने के लिए है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच, आरती। अमन की आंखों में आंसू थे। उसे पता चल चुका था कि उसके लिए आरती का प्यार उसकी सफलता या असफलता पर निर्भर नहीं करता, वो तो बिना स्वार्थ के है। आज अमन का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ चुका था। अब वह अपनी पगार बढ़ाने से कहीं ज्यादा इस बात से खुश था कि उसके पास कोई ऐसा है जो उसे किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह से स्वीकार करता है। दोस्तों, लोगों को हमारे प्रेम, विश्वास और सपोर्ट की जरूरत है। तब सबसे ज्यादा होती है जब वे किसी बुरे दौर से गुजर रहे हों। लेकिन अक्सर हम उनके सफलता में तो शामिल होते हैं, पर असफलता में उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास एक भी ऐसा शख्स है जो हमें हर हाल में स्वीकार करता है, तो हम इस दुनिया को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं और कठिन से कठिन मंजिल को पा सकते हैं।
और जानते हैं उस शख्स को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? वो है खुद किसी और के लिए ऐसा शख्स बनना। इसीलिए जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते जरूर बनाइए जिन्हें आप पूरी तरह स्वीकार और बिना शर्त या स्वार्थ के साथ देने के लिए तैयार हो, और आप पाएंगे कि आपके पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आपसे लेना देना है, आपकी सफलता असफलता से नहीं। और यही एक मजबूत रिश्ते का रहस्य है। तो दोस्तों, मजबूत रिश्ता बनाने के लिए आप प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।